से दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे मानसून की कमी से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं के बारे में, जानेंगे चीनी के बंपर उत्पादन के बारे में, देखेंगे दाल की कमी को कैसे पूरा करेगी सरकार, समझेंगे सेब की गुणवत्ता और पैदावार कैसे बढ़ाएगी हिमाचल सरकार, साथ ही बताएंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बन रहे महिला हेल्पलाइन केंद्रों के बारे में। इस साल बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि के बाद अब कम मानसून की आशंका के चलते कृषि उत्पादन कम होने की आशंका है, लेकिन सरकार सूखे जैसे हालात से निपटने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार बता रही है। इसके लिए केंद्र लगातार राज्यों के साथ संपर्क में है। मौसम की मार से किसानों के साथ साथ सरकार भी परेशान है। पिछले महीने बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की दिक्कतें बढ़ाई, तो अब मानसून मुसीबत बना हुआ है। कम मानसून की वजह से इस बार खरीफ फसलों का उत्पादन घट सकता है, जिसका असर कीमतों पर होने की संभावना है। हालांकि कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने देश की जनता को विश्वास दिलाया है कि कृषि उत्पादन कम होने से इसका महंगाई और अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक असर नहीं होगा। देश में 2014-15 जुलाई से जून के दौरान कृषि उत्पादन 25.112 करोड़ टन हुआ था, जबकि इससे एक साल पहले रिकॉर्ड 26.504 करोड़ टन कृषि उत्पादन हुआ था। लिहाजा कीमतों पर कोई खास अंतर नहीं होगा। हालांकि दाल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार घरेलू बाजार में दालों की सप्लाई बढ़ाने के लिए आयात की संभावनाएं तलाश रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय इस साल किसानों की आमदनी को सुरक्षा दिलाने के लिए नई फसल बीमा पॉलिसी लाने पर काम कर रहे हैं। पिछले माह आई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को खासा नुकसान पहुंचाया। अब मानसून भी किसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। किसानों को तमाम प्राकृतिक और दूसरी आपदाओं से बचाने के लिए केंद्र सरकार योजना बना रही है। हर किसान की आमदनी सुरक्षित हो, इसके लिए केंद्र सरकार नई फसल बीमा पॉलिसी ला रही है, जो इस साल के अंत तक लागू करने की योजना है। इस बारे में केंद्र सरकार राज्य और विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रही है। इस दौरान सरकार मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रबंधन को सुधारने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और सिंचाई क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। चीनी की मिठास अब और बढ़ सकती है। दरअसल इस साल देश में चीनी उत्पादन में जोरदार बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। ऐसी उम्मीद है कि देश में चीनी का उत्पादन अब तक के सबसे अच्छे स्तर 2.83 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। भारत में इस साल चीनी उत्पादन अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है। चालू मार्केटिंग वर्ष 2014-15 में देश में चीनी का उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 2.83 करोड़ टन तक पहुंचने के आसार हैं। मिले अभी तक 2.75 करोड़ टन चीनी का उत्पादन कर चुकी हैं। चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने यह जानकारी दी है। इस्मा के मुताबिक इसमें से महाराष्ट्र ने 1.04 करोड़ टन और उत्तर प्रदेश की मिलों ने 70.9 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है, जबकि 19 चीनी मिलों में पेराई अभी जारी है। पिछले साल मई तक कुल 2.04 करोड़ टन चीनी का उत्पादन हुआ था। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बंपर चीनी उत्पादन की वजह से कीमतों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम लगातार किसानों की मुसीबतें बढ़ा रहा है। पिछले महीने हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब किसान मानसून और लू से परेशान है। खासकर धान की बुआई पर इसका असर हुआ है, साथ ही गर्मी और लू का असर कुछ सब्जियों पर भी साफ देखा जा सकता है। मानसून में देरी के साथ ही लगातार लू चलने से देश में खरीफ फसलों, विशेष रूप से धान की बुआई में देरी होने की संभावना है। इसलिए विशेषज्ञ किसानों को कम अवधि वाली चावल की किस्में बोने की सलाह दे रहे हैं। खरीफ सीजन में चावल की बुआई जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में होती है। मानसून में देरी के कारण इस साल चावल और मक्के जैसी खरीफ फसलों की बुआई में देरी हो सकती है। इसके अलावा इस साल अत्यधिक गर्मी के कारण कुछ सब्जियों की फसलें भी बर्बाद हो गई हैं, लिहाजा बाजार में सब्जियों के दाम में भी इजाफा देखा जा रहा है। सोयाबीन और मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश अमेरिका इस बार मक्के की खेती करने में कामयाब रहा है, लेकिन अमेरिकी किसान सोयाबीन की खेती में पिछले साल के मुकाबले पिछड़े हैं। यूएसडीए की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। दुनिया भर में सोयाबीन और मक्का के सबसे बड़े उत्पादक देश अमेरिका के कृषि विभाग ने अमेरिका में सोयाबीन और मक्का की खेती पर रिपोर्ट जारी की है।
यूएसडीए की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अमेरिका में मक्का की खेती में पिछले साल के मुकाबले कुछ तेजी आई है। अमेरिकी कृषि विभाग यानी यूएसडीए की माने तो अमेरिका के 18 प्रमुख मक्का उत्पादक राज्यों में 31 मई तक करीब 95% मक्का की बुआई पूरी हो चुकी है। पिछले साल इस दौरान इन राज्यों में 94% बुआई पूरी हुई थी। अगर पिछले 5 साल का औसत देखें तो 31 मई तक 94% बुआई ही पूरी हो पाती है, लेकिन इस साल इसमें कुछ बढ़ोतरी हुई है, जबकि सोयाबीन की खेती पिछले साल के मुकाबले कुछ पिछड़ी है। यूएसडीए की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोयाबीन और मक्का की कीमतों पर असर डाल सकती है, जिसका असर भारतीय बाजार में मक्का और सोयाबीन की कीमतों पर पड़ना तय है। केंद्र सरकार भले ही राज्यों को ज्यादा फंड दे रही है, लेकिन राज्य खर्च करने में कंजूसी कर रहे हैं। खासतौर पर खेती और इससे जुड़े क्षेत्रों पर खर्च राज्य सरकारें घटा रही हैं। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस साल खेती से संबंधित क्षेत्रों में राज्यों ने कटौती की है। केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त बजट मिलने के बावजूद कुछ राज्यों ने खेती संबंधित क्षेत्रों में खर्च की सीमा कम कर दी है। सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी के शोधकर्ताओं ने पाया है कि राज्यों ने खेती, पोल्ट्री, डेयरी, वनकारी, वाणिकी, फिशरीज, क्रॉप इंश्योरेंस और फार्म एजुकेशन के लिए फंडिंग में कटौती की है, जिसमें कर्नाटक ने इसे 1,960 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश ने 1,396 करोड़ रुपए, बिहार ने 274 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश ने 208 करोड़ रुपए घटाया है। राज्यों द्वारा खर्च में कटौती से असर फूड, मिल्क और खेती से जुड़े अन्य सेक्टर्स के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, जबकि किसानों के साथ साथ आम लोग मौसम की मार का खामियाजा पहले से भुगत रहे हैं। देश के अधिकांश हिस्सों को इस साल कम मॉनसून का सामना करना पड़ सकता है। इससे किसानों की हालत तो खराब होगी ही, साथ ही आम आदमी को भी मॉनसून की मार का सामना करना पड़ेगा। दरअसल खराब मॉनसून का सबसे ज्यादा असर दलहन और तिलहन फसलों पर होने की संभावना है, जिससे महंगाई बढ़ने के पूरे आसार हैं। आम आदमी पहले ही दाल की बढ़ती कीमतों से परेशान है, ऐसे में एक बार फिर आम आदमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल मॉनसून की मार एक बार फिर से फसलों पर होना तय है, जिसका असर दलहन और तिलहन उत्पादन पर होगा, जिससे आम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार ने मॉनसून पर अनुदान भी घटा दिया है। नए अनुमान के मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य से 88% रहेगा। इससे पहले भी मौसम विभाग ने 93% बारिश होने का अनुमान जताया था। इससे ये तो साफ होता है कि इस साल भी सूखा पड़ने के आसार हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा असर दलहन और तिलहन फसलों पर होना तय है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो दिखाएंगे मॉनसून की कमी बनी किसानों की परेशानी। नारियल से बने उत्पादों की कीमतें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। दरअसल नारियल उत्पादन करने वाले 4 राज्यों में सिर्फ तमिलनाडु में ही नारियल उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ प्राइवेट संस्थाएं लगातार कोशिशें कर रही हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नारियल से बने उत्पादों की कीमतें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। दरअसल नारियल उत्पादन करने वाले 4 राज्यों में सिर्फ तमिलनाडु में ही नारियल उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाकी केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नारियल उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में नारियल से बने उत्पादों के लिए हो सकता है आपको अधिक कीमत चुकानी पड़े, साथ ही नारियल निर्यात पर भी इसका असर संभव है। दरअसल नारियल पैदा करने वाले 4 दक्षिणी राज्य केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में से सिर्फ तमिलनाडु के उत्पादन में 4% का इजाफा देखने को मिला है। बाकी 3 राज्य के उत्पादन में गिरावट देखने को मिल रही है। केरल में उत्पादन 17.48%, कर्नाटक में 4.87% और आंध्र प्रदेश में 53% घट गया है। उत्पादन में सबसे ज्यादा गिरावट आंध्र प्रदेश में देखी गई है, जिसका असर नारियल की कीमतों पर होना तय है। मॉनसून की कमी किसानों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भले ही औसत से 12% कम बारिश की संभावना जताई जा रही है, लेकिन खेती के जानकारों की माने तो इसका असर राज्य में धान की पैदावार पर नहीं होगा। मॉनसून में हुई देरी किसानों के साथ साथ सरकार के लिए भी मुसीबत बनी हुई है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कृषि जानकारों की माने तो इस मुश्किल से धान की पैदावार करने वाले किसानों पर कोई खास असर नहीं होगा। खेती के जानकारों ने प्रदेश में सूखे की आशंका को सिरे से नकारते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में औसत से 12% कम बारिश होने के बाद भी धान की पैदावार पर असर नहीं होगा। हालांकि यहां खेती किसानी भले ही थोड़ी पिछड़ सकती है, छत्तीसगढ़ में सूखे की आशंका कम है। छत्तीसगढ़ में 900 मिलीमीटर पानी धान की फसल को पकाने के लिए पर्याप्त होता है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 1013 मिलीमीटर बारिश होनी है। इस आधार पर प्रदेश में सूखे की आशंका नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सेब उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ
प्राइवेट संस्थाएं लगातार कोशिशें कर रही हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ी दुनिया की अग्रणी कंपनी बेयर क्रॉप साइंसेज अब हिमाचल में सेब की फसल की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा कंपनी फसल की क्वालिटी और सप्लाई चेन को सुधारने में सहयोग देगी। हिमाचल में सेब की खेती में सुधार के लिए राज्य सरकार हर विकल्प पर विचार और पहल कर रही है। ताज़ा पहल करते हुए बेयर क्रॉप साइंसेज और हॉलैंड की कंपनी GIZ ने शिमला में एप्पल फोरम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हिमाचल के सेब उत्पादक किसान और सोलन विश्वविद्यालय के क्रॉप एक्सपर्ट और निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया, जहां सेब उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार संबंधी पहल की गई। इस समझौते के बाद हिमाचल प्रदेश में बेयर क्रॉप साइंसेज आधुनिक तरीके से सेबों के बाग तैयार करेगी और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों की मदद करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार राज्य में बासमती चावल के उत्पादन और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए विशेष पहल कर रही है। कृषि विभाग की ओर से राज्य के शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बासमती किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। जम्मू कश्मीर सरकार राज्य में बासमती चावल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों बढ़ाना चाहती है। इसके लिए जम्मू सरकार तमाम छोटी बड़ी योजनाओं पर काम कर रही है। इसके लिए शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बासमती की खेती करने वाले किसानों से जुड़ी तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि राज्य में करीब 37,000 हेक्टेयर कृषि भूमि पर बासमती की खेती होती है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में गुणवत्ता युक्त खेती नहीं हो पा रही है। लिहाजा सरकार ने इस ओर ठोस कदम उठाने का फैसला किया है और किसानों को भरपूर सहयोग का भरोसा दिया है। खरीफ फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए हिमाचल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस बार राज्य सरकार ने 8.85 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 7.30 लाख टन मक्के और 1.32 लाख टन धान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल सरकार ने कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान खरीफ मौसम के दौरान 8.85 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत 7.30 लाख टन मक्के तथा 1.32 लाख टन धान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी मौसम के दौरान 5.4 हजार टन तिलहन, 1.50 लाख टन आलू, 30,000 टन अदरक और 8.86 लाख टन सब्जी उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया है। राज्य कृषि विभाग ने बताया कि खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रबंध पूरे किए जा चुके हैं। किसानों को उपयुक्त बीज, खाद और तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस मौसम के दौरान 25,600 क्विंटल उन्नत बीज, 20,500 टन खाद, 100 क्विंटल जैविक खाद, 80 टन दवाइयां और 55,000 आधुनिक कृषि उपकरण किसानों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरित करने के लिए एक नई योजना आरंभ की गई है, जिसके तहत GPS के आधार पर किसानों के खेतों से 69,635 मिट्टी के नमूने लेकर उनका परीक्षण प्रयोगशालाओं में किया जाएगा। औषधीय उत्पादों की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किसानों को औषधीय खेती के लिए प्रेरित कर रही है, ताकि देश में औषधीय उत्पादों की मांग को पूरा किया जा सके और किसान भी औषधीय फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सके। किसानों को अनाज और सब्जियों की पैदावार के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार औषधीय खेती को बढ़ावा देने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार विभिन्न जिलों में अनुदान देकर किसानों को औषधीय खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आयुर्वेद की बढ़ रही लोकप्रियता के साथ ही आयुर्वेद औषधियों की मांग भी लगातार बढ़ी है। इसके लिए उत्पादन बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके तहत सरकार किसानों को औषधीय खेती करने को प्रेरित कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इस वर्ष उद्यान विभाग के माध्यम से अश्वगंधा, कालमे और शतावरी की खेती पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा। इस खेती की कुल लागत का 30% अनुदान के रूप में मिलेगा। योजना में अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति जनजाति के आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। साथ ही योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। अब मनुष्य की तरह पशु भी अचार का लुत्फ उठा पाएंगे, जो न सिर्फ उनके चारे का स्वाद बढ़ाएगा बल्कि इस अचार से पशुओं की सेहत भी अच्छी होगी। बेहद कम लागत से तैयार किए जाने वाला यह अचार स्वाद के साथ पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। अचार अब केवल मनुष्यों के प्लेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब पशु भी अचार के जायके का मजा ले पाएंगे। पशुओं के लिए खास तौर पर बनाया गया ये अचार उनके स्वाद के साथ साथ सेहत को भी फायदा पहुंचाएगा। अच्छी बात ये है कि पशुओं का ये अचार कोई महंगी सब्जियों या सूखे फलों से नहीं, बल्कि केवल घास और हरे चारे से तैयार किया गया है।
इस अचार से पशुओं को स्वस्थ रखते हुए उनके दुग्ध उत्पादन को नियमित रखा जा सकता है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पशुओं को खिलाते रहने से साल भर हरे चारे के पोषण की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। हरे चारे के अचार से पशुओं को भरपूर मात्रा में विटामिन ए और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। गर्मियों में पशु का खाना कम हो जाता है जिससे उनके दूध उत्पादन पर काफी असर पड़ता है। अगर पशुपालक अचार बना ले और भूसे के साथ पशु को दे तो स्वाद अच्छा लगने पर वे ज्यादा खा सकेंगे। फिलहाल रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आखिर नदियों का पानी पीना क्यों हो सकता है खतरनाक। केंद्र सरकार पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। अब आपके आसपास के नेशनल हाईवे और मजबूत होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्गों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। अब सरकार ने देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई को एक प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का फैसला किया है। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द ही इस पर काम किया जाएगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार मुंबई को एक प्रदूषण मुक्त शहर बनाएगी। इसके लिए तमाम छोटी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकार इसके लिए ऑटो टैक्सी को इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जोड़ने की योजना बना रही है ताकि पेट्रोल डीजल गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से बचा जा सके। साथ ही बेस्ट बसों को भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ने की सरकार की योजना है। इसके अलावा मीठी नदी को साफ करने के साथ साथ कई दूसरे इको फ्रेंडली कदम उठाकर शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने की सरकार की योजना है। अब आपके आसपास के नेशनल हाईवे और मजबूत होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्गों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। विकसित देशों की तर्ज पर भारत में भी लिडार तकनीक से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार नेशनल हाईवे को मजबूत और जल्द से बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगी। इसके लिए विकसित देशों में प्रचलित लेजर आधारित लिडार तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लिडार तकनीक की मदद से सड़कों के लिए भूमि का सर्वेक्षण और मैपिंग, डिजाइन तथा विस्तृत परियोजना और रिपोर्ट तैयार करने में किया जाता है। लिडार के तहत प्रस्तावित इलाके में जमीन का सर्वे लेजर उपकरणों से सुसज्जित विमान के जरिए करते हैं। इसमें जीपीएस और स्कैनर का भी सहयोग लिया जाता है। जीपीएस एक उपकरण विमान में और एक सर्वेक्षण स्थल पर या आसपास लगाया जाता है। वास्तव में एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जिसमें प्रकाश का इस्तेमाल पल्स लेजर के तौर पर करते हैं। नदियों का पानी शुद्ध किए बिना पीना खतरनाक साबित हो सकता है। द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ है। ये शोध देश के 7 मुख्य नदियों में कराया गया जिसमें पाया गया कि नदियों का पानी पीने योग्य बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें नदियों को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने में लगी है, लेकिन एक शोध में पता चला है कि नदियों का पानी पेयजल के रूप में इस्तेमाल करना बेहद घातक हो सकता है। इस बात का खुलासा द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण में हुआ है। रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि शोधन किए बिना नदियों का पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। टेरी ने सर्वेक्षण देश की 7 प्रमुख नदियों पर कराया है। इसमें राजधानी दिल्ली में यमुना सहित महानदी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गंगा और कृष्णा नदी शामिल है। सर्वेक्षण में 84% लोगों ने कहा है कि बिना शुद्धिकरण इन नदियों का पानी पेयजल के रूप में सुरक्षित नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों के हित में एक बहुत अच्छी पहल की है। अब टीबी रोग से ग्रस्त और आशंकित मरीज घर बैठे ही टीबी की जांच करवा सकेंगे। सरकार इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी जिसकी मदद से टीबी जैसे घातक बीमारी की जांच घर बैठे ही की जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल से देश भर में टीबी रोग से ग्रस्त एवं आशंकित मरीज अब घर बैठे ही टीबी की जांच करवा सकेंगे, क्योंकि जल्द ही स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने जा रहा है। मंत्रालय की इस पहल से टीबी के संदिग्ध मरीज केवल हेल्पलाइन नंबर पर मिस कॉल करके इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। रोगियों द्वारा हेल्पलाइन नंबर पर की जाने वाली मिस कॉल के 30 सेकंड के अंदर अंदर रोगियों के पास फोन आएगा और वो इलाज के लिए सुविधा एवं परामर्श ले सकेंगे। हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मी 24 घंटे के अंदर अंदर रोगी के घर पहुंचेंगे और उसकी पीड़ा को कम करने का काम करेंगे। यदि जांच के दौरान रोगी टीबी से ग्रस्त होगा तो स्वास्थ्य विभाग उसका डॉट्स पद्धति से उपचार करेगा। गंभीर बीमारी डायबिटीज पर रोक लगाने के लिए भारत के साथ साथ दूसरे देशों के वैज्ञानिक कड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के शोधकर्ताओं ने एक शोध में पाया है कि बैक्टीरिया के कारण पैदा होने वाला तत्व भी टाइप 2 डायबिटीज का कारण हो सकता है।
भारत समेत दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक डायबिटीज पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ी उम्मीद की किरण जगी है। वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया है कि बैक्टीरिया के कारण पैदा होने वाला जहरीला तत्व भी टाइप 2 डायबिटीज का कारण हो सकता है। इस नतीजे के आधार पर डायबिटीज के खिलाफ नई चिकित्सा पद्धति इजाद की जा सकती है। इस शोध में भविष्य में ऐसी चिकित्सा पद्धति पर काम किया जा सकेगा जिसके माध्यम से स्टाफ बैक्टीरिया और इससे बनने वाले जहरीले तत्व को लक्ष्य किया जा सके। शोधकर्ताओं ने उम्मीद जताई है कि ऐसा करने से भविष्य में डायबिटीज के विकास पर लगाम लगाई जा सकती है। महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए केंद्र सरकार तत्परता से काम कर रही है। इसके लिए देश भर में हर जिले में हेल्पलाइन केंद्र बनाने की योजना है। सबसे पहले पंजाब के भटिंडा में हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किया जाएगा। देश की हर महिला को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें काम कर रही हैं। इसके लिए तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ने देश के सभी जिलों में महिला सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबर जारी करने का फैसला किया है। इन केंद्रों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी, डॉक्टर, वकील, नर्स सहित अन्य जरूरी अमला तैनात किया जाएगा। सबसे पहले पंजाब के भटिंडा में ऐसा हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किया जाएगा और हर राजधानी में एक एक हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर कोई भी जरूरतमंद महिला अपनी समस्या से संबंधित शिकायत आसानी से दर्ज करा सकती है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया जिसमें दुनिया भर के लोगों ने अपने आसपास पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। इस मौके पर भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा समेत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों का हौसला बढ़ाया। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पर्यावरण को स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए इस मौके पर कई जगहों पर लोगों ने पौधारोपण किया। दिल्ली और मुंबई में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा और ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने पर्यावरण दिवस पर देश के युवाओं का आह्वान किया कि वो आगे आए और पर्यावरण का संरक्षण करें। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो अपने आसपास के इलाकों में वृक्षारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण की मुहिम में योगदान दें। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस दौरान लोगों को संबोधित किया और पर्यावरण से प्रेम करने का संदेश दिया। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आपके गांव की कोई समस्या हो, कोई जानकारी हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। हमारा पता है ग्रीन टीवी B131 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश, पिन 201301। हमारा ईमेल आईडी है info@greentvindia.com। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 01204980000, साथ ही 0011।